आपने भेल तो बहुत जगह खाए होंगे दोस्तों, मार्केट में भेल खाना किसको पसंद नहीं होता, तो क्या आप घर पे ये भेल बना सकते हैं? तो चलिए हम बतलाते हैं घर पे आप कैसे भेल बना सकते हैं। प्याज जो होती है ना, प्याज पत्ते वाली प्याज होती है, उनकी पूरी तरीके से डंठल को भी काट लेना है और उनके जो है वो जो पत्ते वाले होते हैं ना मोटे मोटे हिस्से, उसको भी काट लेना है। चावल का मुरमुरा हमने यहाँ पे ले लिया है, चावल के मुरमुरे से भेल बनाने वाले हैं। ये अंकल जो है ना, ये जो अंकल जो भेल बनाते हैं ना, इस भेल को बनाने के बाद इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, जिनको लोग खाने के लिए ना बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है और बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है इनके भेल खाने के लिए। तो इनको भेल बहुत ही आसान तरीके से बनाते हैं। नमक डाल दिया इन्होंने, इन्होंने हल्दी डाल दी थोड़ी सी, इसमें इन्होंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है और इनका जो है मसाला, ये जो बना रखे हैं देखिए, ये जो बना रखा खट्टा वाला मसाला, थोड़ा सा इसमें इन्होंने सरसों तेल का भी इस्तेमाल करते हैं। सरसों तेल, ये देखिए सरसों तेल डाल दिया। कितने शानदार तरीके से भेल बनाएंगे अंकल, और ये भेल वास्तव में लजीज है, इसको आप घर पर ही बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ऐसा कोई इसमें कोई कठिन वाली बात नहीं कि आप इस भेल को नहीं बना पाएंगे। देखिए चावल के मुरमुरे का भेल जो होता है वो फ़ायदेमंद भी होता है, साथ में ये हमारे शरीर के लिए जो है ना ज़्यादा, अगर इसमें आप कच्चे तेल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप इसमें सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं, तो और भी ज़्यादा लजीज लग जाना। ये देखिए अंकल ने इसमें और भेल बनाने के लिए और इसमें कितनी सारी चीज़ें ऐड करेंगे, आप देखते जाइए वीडियो में। देखिए स्ट्रीट फूड अगर आपको अच्छा मिले, यानी कि पौष्टिक मिले, तो खा लेना चाहिए, और अगर आपको फुल ऑयली अगर मिले तो वो बिल्कुल भी अवॉइड आपको करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। ये देखिए अभी से मतलब अंकल जी के यहाँ पे भीड़ लगने लगी है भील की, कितने शानदार तरीके से भील का ये देखो उन्होंने कलर करेक्शन कर लिया, और ये इनकी जो है ना सजा करके देने का तरीका भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छे तरीके से सजा करके। ये देखिए इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा तेल और इसमें इस्तेमाल किया इन्होंने, और ये तेल जो होता है ना ये पका हुआ तेल होता, कच्चा तेल नहीं होता। देखिए बहुत शानदार तरीके से भेल बना लिया इन्होंने, अब इसमें देखते जाइए और क्या क्या चीज़ ऐड करने वाले हैं। ये चने इस्तेमाल कर रहे हैं। अब प्लेटिंग देखिएगा इसकी प्लेटिंग, एक कागज ले लिया इन्होंने, कागज में ये मुरमुरा डाला इन्होंने, मुरमुरा डाला, थोड़ा सा चना वना वगैरह डाल दिया इसमें, थोड़ा सा वही प्याज डाल दिए, प्याज जो प्याज के पत्ते थे, ओह माय गॉड, थोड़ा एक नींबू, वाह, आलू, उबला आलू भी लोग बाग इस्तेमाल करते हैं, कि जिन लोगों को तीखा पसंद है तीखे वालों के लिए भी है, अंकल जो है तीखा वाला भी बना करके इसी में से देते रहते हैं कि जिनको तीखा पसंद है। बहुत ही शानदार तरीके, कहते हैं दोस्तों अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको खिलाने पिलाने का तरीका हो। आप किसी भी उम्र में खिला पिला करके पैसे कमा सकते हैं, रोने वाला व्यक्ति तो जीवन भर रोता ही रहता है। ये देखिए कितने शानदार तरीके से उन्होंने बनाया, और इनका जो है जीविका का यह साधन है। एक लाइक तो बनता है इन अंकल के लिए। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।